हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। कल हमने पढ़ा था इंग्लिश के बारे में। क्या पढ़ा था? इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया था। क्या किया था हमने कल? इंग्लिश का एक सिलेबस हमने डिस्कस किया था, सिलेबस डिस्कस किया था, इसका पैटर्न डिस्कस किया था, ठीक है, कि किस एग्जाम में कितने नंबर की आती है, कैसे हमें क्या करना है। और हमने सिलेबस में क्या बताया था, सबसे पहली चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए पढ़ना ग्रामर। ग्रामर ग्रामर से, क्योंकि हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। पूछे किस प्रकार से जाते हैं, कल मैंने बताया था। पहला टाइप क्या था इसका? एरर बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा टाइप था अपना फिलअप्स, ठीक है। और हमारा जो तीसरा टाइप था हमारा वो था सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, तीसरा था हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसके बाद मैंने इसका दूसरा सेक्शन बताया था अपने एग्जाम के जो नज़रिए से सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है वो था हमारा वोकैब। वोकैब का क्या सिलेबस होता है? हमारे एंटोनियम्स होते हैं, ठीक है, सिनोनियम्स होते हैं अपने। एंटोनियम का मीनिंग क्या होता है? हमारे जो है डिफरेंट मीनिंग, क्या होते हैं? डिफरेंट इन मीनिंग, जो हमारे मीनिंग में क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे एक शब्द लिख दिया, उसका डिफरेंट हमारा क्या होगा, ठीक है। और सिनोनियम्स जो होते हैं हमारे, होते हैं सिमिलर इन मीनिंग, ठीक है, कि मीनिंग में सिमिलर हमारे रहने चाहिए। ऐसे अगला टाइप अपना आता है, तो एंटोनियम्स आ जाते हैं, सिनोनियम्स आ जाते हैं, एक आता है हमारा वन वर्ड, अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम वन वर्ड, ठीक है। और एक हमारा आता है हमारा इडियम एंड फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज, मुहावरे और लोकोक्ति जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, इडियम एंड फ्रेज। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम दोगे, स्टेनो वगैरह का देते हो, इसमें आता है एक पार्ट कॉम्प्रिहेंशन का। क्या था हमारा? कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा पार्ट आता है वो आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का। इसको, इसमें सबसे ज्यादा बच्चा जो फंसता है इसमें फंसता है, क्योंकि वो अपने जो पुराने हमने फोर्थ फिफ्थ क्लास सिक्स में करे हैं उस प्रकार से हमारे क्वेश्चनों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि वो जो लेवल होता था हमारा, वो लेवल होता था हमारा बहुत नीचे का लेवल हमारा होता था। उसमें क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट, हमें जो हमारा पैसेज लिखा हुआ मिलता था, यहाँ पर जो भी हमारा पैसेज लिखा हुआ मिलता था, ये जो क्वेश्चन जितने भी आते थे डायरेक्ट हमें इसमें से देखने मिल जाते थे। लेकिन अब जो हम आगे पढ़ेंगे, जो हम कॉम्पिटेटिव लेवल पे हमारा कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो इसमें जो होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमारे माइंड से करने पड़ते हैं, उस पैसेज को हमें समझना पड़ता है, बोले कहना क्या चाह रहा है, होता क्या है इसमें, इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो हमें हमारा इंग्लिश का सिलेबस पता चल गया, बोले हमें करना क्या है, ग्रामर करनी है, ग्रामर से किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वोकैब में क्या क्या आता है, ये हमें अब सब कुछ पता चल गया। तो आज अपनी हम इंग्लिश को शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने कहा आपसे इंग्लिश, अब किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है। बोले ये है क्या, तो हमने क्या देखा, इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है एक हमारी लैंग्वेज, ठीक है। अब किसी भी लैंग्वेज को पहचानते कैसे हो कि इंग्लिश है, हिंदी है, उसके साउंड से जानते हैं कि साउंड किस प्रकार। तो किसी भी लैंग्वेज को अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा साउंड्स को, कि हमारे साउंड्स क्या है। और किसी भी साउंड्स को जानने से पहले लेटर्स का हमें पता होना चाहिए। तो किसी भी साउंड को जो एक हमारे इंग्लिश में लाने के लिए जो हमारे हैं 26 लेटर्स हैं, कितने हैं? 26 लेटर्स, जिन्हें हम बोलते हैं अल्फा वेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। ध्यान रखना अल्फाबेट्स नहीं होते, क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, अल्फाबेट होते हैं। 26 हमारे अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। तो आप सब जानते हो, बचपन में पढ़ा है, इनको दो उसमें डिवाइड किया गया है। क्या होते हैं? वोवल होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे? वोवल होते हैं। और ये क्या होते हैं हमारे? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आप सबको बताओगे वोवल कितने होते हैं हमारे? 5 वोवल होते हैं, और 21 क्या होते हैं हमारे? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है, 5 वोवल्स होते हैं हमारे, ठीक है, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन जब इनकी साउंड की बात करें, ये तो हमें पता चल गया कितने वोवल हैं, 5 होते कौन कौन से? A, E, I, O, U, ये क्या होते हैं हमारे? वोवल्स होते हैं। और बाकी जो बच्चे जैसे कि V, C, D to Z, जो भी हमारे बीच में अक्षर बचे, लेटर्स बचे, वो क्या होते हैं हमारे? 21 कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। ऐसे हमें वोवल्स, अब इनके साउंड की अगर हम बात करें,
इनके साउंड्स की अगर हम बात करें तो कितने साउंड देते हैं, 20 साउंड्स देते हैं। कितने देते हैं? 20 साउंड्स देते हैं। और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं 24 साउंड्स देते हैं। तो हमारे सी टेट वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं कभी कभी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स कितने होते हैं। तो आप देख लो 20 + 24 तो कितने टोटल साउंड्स होते हैं, 44 हमारे साउंड्स होते हैं। इस बात का ध्यान रखना अगर कोई आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लगे कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितने हैं, तो आप क्या बताओगे, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होते हैं। ठीक है, अब साउंड्स को भी मैं बता देता हूँ। साउंड्स होते हैं हमारे तीन प्रकार के साउंड्स होते हैं। कितने होते हैं, क्या होता है, एक तो होती है शॉर्ट साउंड। क्या होती है? शॉर्ट साउंड। एक होती है हमारी लॉन्ग साउंड। ठीक है, और तीसरी जो होती है हमारी लेजी साउंड होती है। अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें इंग्लिश बोलने सीखना है, इंग्लिश बोलनी है अच्छे से हमें, तो इस साउंड का हमें पता होना चाहिए कौन से साउंड को कहाँ पर यूज करना है। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आप गए गोवा, गोवा घूमने गए, तो मैंने कहा कहाँ गए थे, तो आपने कहा गोवा के बीच पर घूमने गया। क्या कहा? बीच पर घूमने गया। किस पर घूमने गया? बीच पर घूमने गया। ठीक है, अब मैंने दूसरे बंदे से बोला, बोलो बीच पर घूमने गया कि गोवा के बीच पर। अब देखो बीच और बीच में क्या मीनिंग हुआ, बीच आप सब जानते हो, बीच और बीच में डिफरेंस आप सब जानते हो। जब आपने इसको बीच बोला तो थोड़ा लॉन्ग साउंड हुआ ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, क्या बीच, तो हमारी होती है लॉन्ग साउंड क्या होती है, बीच। हमने क्या लिख दिया एक शब्द जैसे बीच। ठीक है, इसकी शॉर्ट साउंड क्या होगी, विच। अब देखा तुमने इसका डिफरेंस क्या होता है लॉन्ग में शॉर्ट में। अगर किसी वर्ड को तुम लॉन्ग साउंड को अगर शॉर्ट साउंड के तरीके से बोल दोगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। देख सकते हो आप बीच का मीनिंग क्या होता है और बीच का मीनिंग क्या होता है, आप सब अच्छे से जानते हो। तो इसीलिए हमें इन साउंड का पता होना जरूरी है कि कहाँ पर कौन सी साउंड हमें यूज करनी है। तो इसीलिए हमने क्या कहा, एक होती लास्ट वाली हमारी लेजी साउंड। लेजी साउंड क्या होती है, जैसे मैंने कहा टूडे, बहुत आराम से बोले टूडे, यस्टरडे, ये क्या होती है अपनी लेजी साउंड होती है। क्या होती है? लेजी साउंड। ठीक है, अब पता चल गया, एक शॉर्ट साउंड होगी, लॉन्ग साउंड होगी, लेजी साउंड होगी। ये हमें जब अपनी वोकैब पढ़ेंगे ना, जब हम अपनी वोकैब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हम इससे पता लगा सकते हैं बोले शब्द का मीनिंग क्या है। जैसे आपने लॉन्ग साउंड बीच पढ़ा, उसका बीच पढ़ा, तो मीनिंग में डिफरेंस है नहीं, इन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है, अपने आप देख सकते हो आप। क्या हो, लेजी साउंड टूडे यस्टरडे, ये अपनी हो गई। ठीक है, अब हमारा इतनी बात हो गई, क्या चल रहा है इंग्लिश का अपना बेसिक चल रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज बनी कैसे, क्या चल रहा है अपना इंग्लिश का एक बेसिक चल रहा है, बोले इंग्लिश लैंग्वेज बनी कैसे, कैसे कैसे हमारे सेंटेंस बने, वर्ड्स बने, किस किस चीज से मिलकर हमारी फ्रेज बनी, ये हमारा चल रहा है। ठीक है, तो कहाँ तक आ गए, अपने लेटर्स तक आ गए हम। लेटर्स कितने थे? 26। अब मैं एक सब होता हूँ, लेटर्स से मिलकर ही तो हमारा वर्ड बना है। क्या बना है? लेटर्स से मिलकर ही तो वर्ड बना है अपना। अब मैंने आपसे पूछा, बोले लेटर्स से मिलकर वर्ड बन गया, वर्ड की एक डेफिनेशन दे दो कि वर्ड होता क्या है, तो आप क्या कहोगे वर्ड होता क्या है, बता सकता है कोई कि वर्ड होता क्या है? देखो वर्ड होता है एक मीनिंगफुल यूनिट। क्या होता है? ए मीनिंगफुल यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ लेटर्स क्या होता है? ए मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ लेटर्स, या लिख देना अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इन ए मीनिंगफुल वे। कैसे? मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने CAR, देखो सी भी लेटर है, ए भी लेटर है, आर भी लेटर है, अब मैंने इन्हें एक जगह लिख दिया। ठीक है, और एक लिख दिया RAC, इसका मीनिंग आप सब जानते हो, क्या होती है अपनी कार होती है, क्या होती है गाड़ी होती है अपनी, लेकिन इसका मीनिंग जानते हो, इसका मीनिंग जानते हो, इसका कोई मीनिंग होता ही नहीं। तो मैंने कहा एक वर्ड जो होता है एक मीनिंगफुल यूनिट होता है जिसका कोई मीनिंग हो, जैसे कि ये हो गया। तो ध्यान रखना कि वर्ड क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन ए मीनिंगफुल वे, जिससे कोई हमारा सार्थक अर्थ निकले। जैसे कार का अर्थ निकला लेकिन इसका नहीं निकला, तो ध्यान रखना अपनी इस चीज़ को कि वर्ड क्या होता है, यूनिट होता है जो मीनिंगफुल होता है, लेटर्स की यूनिट। ठीक है, किसी भी शब्द किसी भी चीज़ को हम वर्ड नहीं कह सकते। ऐसे इसी देख लो, इसका कोई मीनिंग है नहीं है तो ये वर्ड नहीं है, वर्ड क्या है, ये है अपना, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा अब आप देखो वर्ड होते कितने प्रकार के वर्ड है, होते कितने प्रकार के वर्ड है, वर्ड भी तो पता चले,
यूनिट कितने प्रकार, यूनिट जब लिखा है हमने तो यूनिट क्या होता है, इसका मतलब इकाई, खंड वगैरह इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहा गया, इन वर्ड को जानने के लिए कि हम क्या पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, इसे ही जानने के लिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है, पार्ट ऑफ स्पीच, कि कौन सा वर्ड क्या होता है, नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, इसी चीज को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़नी पड़नी है, पार्ट ऑफ स्पीच हमें पढ़नी पड़ती है। अब मैं आपसे पूछूं पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है, अब अपना बात आई पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है, कितनी होती है अपनी पार्ट ऑफ स्पीच, बताओ मुझे पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है। देखो पार्ट ऑफ स्पीच होती है हमारी आठ, कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होती है अपनी नाउन, दूसरी होती है अपनी प्रोनाउन, ठीक है, तीसरी होती है अपनी एडजेक्टिव, देखो मेरे साथ साथ बोलना, क्या होती है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं होती, एडजेक्टिव होती है, ठीक है, चौथी क्या होती है अपनी वर्ब होती है, और जो हमारी फिफ्थ होती है वो क्या होती है एडवर्ब होती है, ठीक है, और जो हमारी अगली आती वो होती है कंजंक्शन, क्या होती है कंजंक्शन, देखो बोलना तमीज से सीख लो, क्या होती है कंजंक्शन, कंजक्शन नहीं होती, कोई कोई बोलता था कंजक्शन, कंजक्शन नहीं कंजंक्शन, ठीक है, अगली आती प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, ठीक है, और सबसे लास्ट क्या होती है अपनी इंटरजेक्शन, क्या होती है अपनी इंटरजेक्शन। अब इन चीजों का हमें पता चल रहा है, पहले क्या होगी अपनी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, सेवन प्रीपोजिशन, एट क्या होगी इंटरजेक्शन। देखो क्या बोलेगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसमें क्या होता है डी हमारा साउंड नहीं करता, इसमें होती है वर्ब, इसमें क्या होता है आर साउंड नहीं करता, इसमें क्या होती है एडवर्ब, इसमें भी आर हमारा साउंड नहीं करता, इस चीज की ध्यान रखना, ये मत कह देना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं होता, क्या होता है अपना एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब इनकी एक छोटी छोटी अपन डेफिनेशन ले लेते हैं, कह लेते हैं छोटी छोटी सी डेफिनेशन ले ली हमने, मतलब नाउन किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे नाउन किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे कि नाउन होता क्या है, बोले हम नाउन किससे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे, एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने पूछी, आपने क्लास में पढ़ी होगी, नाउन इज अ नेम ऑफ ए बर्ड, प्लेस और थिंग, किसका, नेम ऑफ ए प्लेस या किसी चीज का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी भी चीज का नाम क्या बोलाता है हमारा नाउन बोला जाता है। तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है, क्या होता है एक नेमिंग वर्ड होता है, जैसे मैंने ये नेमिंग वर्ड होता है, ये हमें विजिबल भी हो सकता है, हमें दिखाई देने वाली चीज भी हो सकती है, या फील होने वाली चीज भी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, अब विजिबल चीज कैसे होगी, किसी का आपने नाम ले दिया, जैसा कि मेरा नाम क्या आदित्य नाम है मेरा, मैंने लिखा अपना नाम आदित्य, आदित्य, ठीक है, मेरा नाम है आदित्य, ठीक है, आपने देखा विजिबल हूं मैं, दिख रहा हूं आपको या नहीं दिख रहा, दिख रहा हूं आपको, तो मैं क्या हो गया विजिबल नाउन हो गया। अब किसी ने कहा आदित्य बहुत ईमानदार है, आदित्य बहुत ईमानदार है, क्या ऑनेस्ट है, क्या हो गया ऑनेस्टी, मुझे एक बात बताओगे ऑनेस्टी मेरी दिख रही है आपको, मेरी ऑनेस्टी कहीं दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, फील कर सकते हैं सामने वाले बंदे के साथ मेरा बिहेवियर कैसा है, क्या चीज मैंने उसके साथ करी है, उसी प्रकार से उसने मुझे कहा वो ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्टी। तो कभी कभी हमारी जो नाउन होती है, हमने क्या पढ़ा है कि किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम और किसी थिंग का नाम क्या कहलाता है हमारा नाउन कहलाता है, लेकिन इनसे हटके भी कभी कभी क्या जाती है, जो हम फील कर सकते हैं चीजें वो भी हमारी नाउन ही कहलाती है। जैसे मैंने कहा एयर, अब एयर हवा क्या है ये बताओ, हवा किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, या किसी थिंग का नाम है, किसी चीज का नाम हम फील कर सकते हैं, बाहर जाते हो आपके बाल उड़ रहे हैं, बोले हवा चल रही है, ठीक है, तो हवा को फील कर सकते हो। तो नाउन क्या होती है, एक नेमिंग वर्ड होती है हमारी, ठीक है, जो विजिबल भी हो सकती है और किसी को फील ओनली भी हमारी हो सकती है, ठीक है। अपना प्रोनाउन क्या होता है, बोलो प्रोनाउन क्या होता है,
देखो प्रोनाउन होता है हमारा रिप्रेजेंट्स अ नाउन, किसे रिप्रेजेंट करता है? आ नाउन, जो हमारे नाउन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा कि राम ही है, कोई लड़का है राम, राम स्कूल आया और उसने मुझे पैसे दिए, राम स्कूल आया और उसने मुझे पैसे दिए, एक के लिख दिया उसने। देखो राम था, अब पैसे किसने दिए? राम ने दिए होंगे जब वो आया उसने, ठीक है, क्योंकि तो ये नाउन हो गया, कोई नेमिंग वर्ड था अपना, लेकिन इसे ही रिप्रेजेंट किसने कर दिया? उसने ने। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन अपनी बोलते हैं, जो हमारे नाउन को रिप्रेजेंट करता है। देखो उसने ने कैसे रिप्रेजेंट किया, पैसे किसने दिए मुझे? राम ने तो दिए, लेकिन उसके जगह हमने राम ना बोलकर क्या बोल दिया? उसने मुझे पैसे दिए। तो उसने क्या हो गया अपना एक क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, इसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की एक छोटी सी डेफिनेशन अपनी क्या हो गई? रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो हमारे नाउन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अगली बात क्या आती है अपनी? अगला आता अपना एडजेक्टिव क्या होता है, कोई बताएगा मुझे एडजेक्टिव क्या होता है? पहली बात तो एडजेक्टिव नहीं, क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है अपना जो क्या करता है? हमारे क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव होते हैं क्वालिफाई अ नाउन या प्रोनाउन, क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन, इस चीज का ध्यान रखना। जो हमारे मैंने कहा राम स्कूल आया, ठीक है, उसने मुझे पेन दिया, मैंने कहा राम स्कूल आया, मैंने इसी बात को कह दिया वह बहुत अच्छा लड़का है, तो राम की बात चल रही थी अपने, ठीक है, उसने पेन भी दे दिया मुझे, ठीक है, मैंने उसे बोल दिया वह बहुत अच्छा लड़का है, तो राम कैसा हो गया? अच्छा, क्या हो गया? गुड हो गया। तो इस गुड ने किसे क्वालिफाई करा? हमारे नाउन को तो क्वालिफाई करा। अच्छा कौन है? राम है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वो होता है जो हमारे नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसमें कुछ डिटेल ऐड करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं उसे हम? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, एक सेंटेंस लिख दिया, He is a good boy. क्या लिखते हैं? He is a good boy. देखो boy क्या हो गया? एक noun हो गया। Boy क्या हो गया? Noun. अब noun की detail add किसने करी? Good ने करी। क्या बताया? कि boy जो है अच्छा है, तो detail add करी noun में। जो भी word हमारा noun में detail add करता है वो क्या कहलाता है हमारा? क्या कहलाता है हमारा? Adjective कहलाता है। तो good क्या बन गया अपना? Adjective. ठीक है, ये बन गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव भी हमें समझ में आया, एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाइज अ नाउन या प्रोनाउन, जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। ठीक है, अगला आता है अपना वर्ब क्या होती है। देखो वर्ब का तो हिंदी में नहीं क्रिया है, कोई भी एक्शन हमारा वर्ब कहलाता है, कोई भी जो एक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्ब कहलाएगा। तो क्या होता है? हमारा एक्शन ही वर्ब है, एक्शन ही क्या कहलाता है हमारा? कोई भी हम जो काम करते हैं, जैसे मैं कहता हूं मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, तो ये अपनी क्या बन गई? वर्ब बन गई। क्या बन गई? वर्ब। मेरा काम है ना ये, मैं कुछ काम ही तो कर रहा हूं, तो जो हम जो भी काम करते हैं वो क्या कहलाता है? अपना वर्ब कहलाता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं छोटी छोटी डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूं आपको, लेकिन जब ये चैप्टर हमारे शुरू होंगे तो इसे इतने अच्छे से पढ़ेंगे, बोले नाउन बनी कैसे, क्या चीज आती है नाउन में, कैसे एरर आ सकता है एग्जाम में, सब चीज हम इसमें जानेंगे जब ये चैप्टर शुरू होगा। लेकिन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बोले पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है। अब अगली बात आती है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होती है? ठीक है, एडवर्ब होती है जो हमारे वर्ब को क्वालिफाई करती है। कैसे क्वालिफाई करती है? जो वर्ब को क्वालिफाई करती है, बोले काम हमने कैसा काम किया, ठीक है, कैसा काम हमने किया। तो एडवर्ब क्या हो गया अपनी? एक्शन ही होती है, एक वर्ब भी होती है, लेकिन इसे क्वालिफाई करती है हमारे वर्ब को। किसे क्वालिफाई करती है? हमारे वर्ब को हमारे क्वालिफाई करती है। अगला क्या आता है अपना? छठी पार्ट ऑफ स्पीच आती है कंजंक्शन। क्या होता है? कंजंक्शन, कंजक्शन मत कह देना, क्या होता है? कंजंक्शन, ठीक है। अब ये क्या होती है? ये होती है हमारी कनेक्टिंग वर्ड। क्या होता है हमारा? कनेक्टिंग वर्ड होता है हमारा। क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड होता है हमारा। जो हम दो चीजों को, मैंने एक चीज तुमसे कही कि राम और श्याम,
राम और श्याम, एक तो राम हो गया एक श्याम हो गया, ठीक है। अब इन्हें कनेक्ट करने के लिए क्या लगा देते हो, राम एंड श्याम ये लगाते हो, ठीक है। यही बन जाते हैं हमारे, क्या बन जाते हैं, कंजंक्शन। यही हमारी क्या होती है, कंजंक्शन, जो हमारे दो चीजों को क्या करे, कनेक्ट करे, राम और श्याम दोनों को कनेक्ट कर दिया इसने, तो इसे क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। अगली आती है अपनी पार्ट ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन। क्या आती है, प्रेपोजिशन। ये क्या होती है, ये होती है अपनी प्रेपोजिशन जो हमारी होती है, ये होती है एक ज्वाइनिंग वर्ड। क्या होती है, एक रिलेटिंग वर्ड मान लो उसको, क्या होती है, रिलेटिंग वर्ड। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, आपको लिख देता हूं, ही गोज टू दिल्ली, ठीक है। तो एक तो जाना हुआ, एक दिल्ली हुआ, इन्हें कौन ज्वाइन कर रहा है ये बोलो। तो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, दिल्ली को, तो गोज को और दिल्ली को जो हमने किसने करा, इससे ही तो रिलेट किया, तो यही हमारी क्या कहलाती है, प्रेपोजिशन, ठीक है। क्या कहलाती है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन अपनी क्या होती है, एक रिलेटिंग वर्ड होता है अपना, क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड लिख लो, ज्वाइनिंग वर्ड लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अपना आता है इंटरजेक्शन, क्या आता है, इंटरजेक्शन। अब आपके सामने बहुत सुंदर सी एक गाड़ी जा रही है, बोले क्या कहते हो, वाओ, क्या बोलते हो, वाओ, क्या बोला आपने, वाओ कितनी अच्छी गाड़ी है। तो ये क्या होती है, इंटरजेक्शंस होती है हमारी, इमोशंस। क्या होते हैं हमारे, इमोशंस, या कह सकते हो फीलिंग्स वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने इंटरजेक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहते हो, हरी, हुर्रे, ये क्या बोलते हो, ये सब, अलास, कोई दुख है आपको, कुछ भी सुख है, क्या बोलते हैं, ये हमारे होते हैं इंटरजेक्शन। क्या, तो हमने आज में क्या पढ़ा कि हमारी पार्ट ऑफ स्पीच होती कौन कौन सी, नाउन होती है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। इनके एक छोटी छोटी सी डेफिनेशन हमने तैयार की, ठीक है। अब अपना चैप्टर जो शुरू होगा यहाँ से शुरू होगा, अपना कल चैप्टर शुरू होगा नाउन, ठीक है।